मैम नमस्कार, माफ कीजिए आज आपको बहुत तकलीफ दे रही है। आज आपकी जुबानी आपके जीवन और संगीत साधन के संबंध कुछ सुनना चाहती हूँ। मैम सबसे पहले आप अपनी वंश परंपरा और उसका संगीत से संबंध कब से और कैसा रहा ये बताने की कृपा करें। मेरा घर संगीत का संगीत का था। मेरे जो नाना थे तो वो गाते थे। नाना की जो माँ थी वो पंडित थी, उनका नाम मीराबाई, मीराबाई संस्कृत पंडित थे। मैंने मेरे मामा उनके शागिर्द थे और उनके तीन लड़के और एक लड़की, इस तीनों लड़के एक का नाम रामबा, एक का नाम वामन और एक का नाम वासुदेव। वासुदेव की पोती नहीं है और उनके रामबा की दो लड़कियाँ तीन लड़के उनके भी वो कहीं तक तुम करते सुनते उनकी लड़के उतना तबला अच्छा बजाते थे। हमारे घराने में ये पाँच छः पीढ़ी से यही संगीत का है और हमारे माँ स्त्री के छः बहन तो हमारे पाँच ही बहने गाती थी। एक तो तेरह चौदह बरस के मिलन गई पाँच थी पाँचें गाती थी लेकिन उसमें मेरे हाँ मेरे माँ का आवाज बड़ा सुरेला और बहुत सही टीचर तो उनके उनके पिता से शिक्षण मिला था और मम्मी ने भी उनमें लिया वो कुछ मेरे को याद नहीं। मैं तो आठ बरस की जो जब से आठ बरस की थी जब से सब कुछ याद है। अच्छा आपकी संगीत शिक्षा कब से शुरू हुई माई? आठ बरस अठारह वर्ष लगा था हमको और हमको उनके शिक्षा पहले तो स्कूल में जाते थे ना तो स्कूल में भी देना संगीत देना अब ये बात है ना। अच्छा माई अपने गुरु घराने के बारे में कुछ बताइए। गुरु घराना ये मेरे गुरु जन मजदूर का खादिम शेख अर्चन चुका। अच्छा कहाँ के रहने वाले थे? वो थे मुरादाबाद के और यहाँ आके कम में कम मेरे से पहले अभी आठ बरस के मिला कर जो गंदा बांधा उसके पहले कब आए थे वो मेरे को ध्यान नहीं लेकिन कम में कम हमको ये मालूम होता है 110 बरस हजार से 100 वर्ष बम्बई में रहना बम्बई में रहेंगे। वो चार भाई थे, एक तो उसके छोटे भाई को इंग्लिश पढ़ाया मैट्रिक तक और ये तीन भाई गाते थे। सबसे बड़े सज्जू खान सबसे बड़े और उनके पीछे मजिद खान और उनके पीछे खाजू सैन खान और उनके पीछे वलायत खान। अच्छा ऐसे चार भाई थे तो मेरा जो शिक्षण पहला जो गंदा बांधा तो मजिद खान का साथ थे। हम सब उनको भैया जी कहते थे क्योंकि मेरे पिता के बड़े दोस्त थे और उनको हम चर्चा तरीके जानते और हमारी माँ को भाभी जी भी और बड़ा दोस्ताना था। तो पूछो तो छोटपन से मेरे को मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनू डॉक्टर कहाँ गायकी लेकिन जब वो बहन को सिखाते थे विश्वास से मेरी बहन को सिखाना उन्होंने शुरू किया। वो तो एक पार्टी थी 12 बरस के अंदर आपको कहूँ सवा सौ डेढ़ सौ सराहना और सरगम उसने याद किया और मुंबई में बहुत से लोग जानते हैं हजार हजार दो दो हजार लोगों ने उन लड़की गाई है। जब जब उसको सुनते थे जो जाना और बच्चा है सबके मुँह से यही निकलता लेकिन हमारे इसमें ये जबान वाली नहीं तो उन्होंने क्या करा भैया जी ने मनी खाने जब गंगा जिस दिन माना उसके दूसरे ने उसको मुंशी साथ लाया क्योंकि हमारी जबान ये नहीं हमारी जी गोए की जबान मराठी जबान तो हमको जो उन्होंने हाल बताया तो उसका मायना तो समझना चाहिए कि नहीं तो वो क्या कहते थे कि जब मायने में समझा जब तलक संगीत के ऊपर जो प्रभाव उन्हें कभी बन नहीं सकता। अच्छा माई अपनी तालीम के बारे में कुछ बताइए। तालीम तो यही है कि वो मामारी भरी मर गई 12 बरस पीछे आपको थोड़ी दुख तो लगेगा कि इतनी इच्छा माँ बाप की और हमारे घर में ये कहा कि इस वास्ते मैंने पीछे मेरे पास ऐसा राग करवाया मैंने जो दूसरे में भविष्य हम नहीं जानते कि कोई ऐसा राज कर लेंगे बच्चे। कितने दिन के आप रियाज करते थे मैं? पहले तो समझो 15-15 मिनट जो दशा मुस्ता ऐसा और पीछे आधा 10-10 कल्ला तो मेरे जो कंधे के ऊपर रखा तो गट्ठा था और कहूँ कमरा के 4 बजे सुबह आना 12 बजे आना और गायने प्रोजेक्ट मंडल करके यहाँ था पार्टियों का बात करने रिस्ता था तो उनने एक क्लब में नौकर तो 4 बजे क्लब में जाना पड़ता था 2 बजे आए फिर से 2 घंटे फिर गए फिर से 6 बजे खादू सिंह खान साहब आए ऐसा करके कम में कम 8-10 कलाक से मेरा राज कम नहीं होता था
और राज ने क्या पूछा, आजू बाजू के लोग कंटा गए थे, सारे से मैं सोने और देख बन गए बराबर ऐसा और कुछ नहीं, बस मैंने पीछे सिखाई लेकिन वो पढ़ते अले नबिया से ये चीज करके उसके ऊपर ये मन का प्रवाह। और जब मैंने दोनों राग सिखाए उसके पीछे 5 मिनट हो तो पीछे हमको और जो लोग जो भी राग सिखाए तो भूत मानते सिखाए, जब मैं जाते थे बेटा बेटा आ रहा कागज ला रोल ला और लिखिए ये देखो इसमें ये वादी ये समाधि इस तरह से करके था, पीछे बिताऊंगा लेकिन ये समाधि ये होगा। और पीछे जब जब राग सिखाए हमको कभी बड़े दूर नहीं सिखाए नहीं, चलो बच्चो सही बच्चों से तो जो नाम आया समझो वो बच दिए, वो ऐसे लाख सब मेरे पास से बैठ के दिए और पीछे उसने जो कम था उसे कहा हमारे सुना के आपको वो चिड़िया कैसे पुकारा करते थे, चिड़िया सब गवैया भी चिड़िया कहते थे आप कहते थे चिड़िया तो, और हमको कभी देखी कहा है मैं ये ही समझते थे कि मेरा बेटा है, और हमेशा कहते थे जब सुने गा के जाए तो मेरे बच्चे उनको तो उस वक्त बच्चा नहीं तो पीछे लड़का हुआ उनके दो भाई के लड़के थे अमान अली खास और फिराव सिंह का, हर जलसे ये कहते थे कि बड़े भाई हाँ छज्जू खां अरे चीजा के ऊपर सुनो छोड़ करके दरिया में फेंक दो लड़के जिससे नाम निकला वही लड़का, या आप कहते अभी तक अमान अली जिंदे थे जब तक ये बात आते तो रोते थे सच कहते और इतना गाते थे हम आपको कहो जैसे हमने सेवा अभी ने भरी अभी ना बजे हमसे चिंता ये होता था कि ये क्या कहते हैं जो सिखाते हैं वो गाते हैं सब कुछ अभी ना भरी क्या, तो हमको बड़ा आपको रंग क्या होता था लेकिन जिस दिन से हो गए आज हमको मालूम होता अभी तक हमारे से वो ना भरी खाने के लिए हम आज भी कर ले सकते वो ख्याल क्या हमारे तो पहले ख्याल क्या थे 4-4, 5-5 और तक के ख्याल थे और दूसरा हमने क्या किया सुर में क्यों थे हम तो आपको कहूँ मिनट का 27 तो श्वास पड़ते हैं ना डॉक्टरी के 17 कितने इन्होंने 1 मिनट तक मेरा सांस किया था जहाँ जो किया था 1 मिनट तक सांस चले और ये हो के तो कैसा किया आज 4 सेकंड 8 दिन में पीछे 6-8 महीने 8 सेकंड पीछे ऐसे करते 1 बरस में 1 मिनट का मेरा सांस किया हूँ श्वास जिसको कहते हैं अब मैं तो हिंदुस्तान में आता अपना नहीं मेरे भगवान के ऊपर हम तो वहाँ के गोहे के आदमी कुछ भी पता पता करने वाले लेकिन आप पूछते हैं तो श्वास से कहना पड़ता है एक मिनट का सांस जो आदमी 1 मिनट का जिसका सांस होगा वो आदमी का सुख कैसा होगा ना हिलना ना जो लगा तो आप हमारे हरिचंद खान साहब की 40 सेकंड का श्वास था 40 सेकंड और मेरा उन्होंने 60 सेकंड का जो मैंने पंजाब लगाते मालूम होता है कि पेटी के 2-3 पेटियां बन गई है ये तो वो अपने बाकी आपकी तालीम में साधन पर तो बहुत ही जोर दिया गया तो उसका असर अभी तक आपकी गायकी में पाया जाता है नहीं गायकी में पाया गया ना अभी तो हमारी जान से मैं उसके अंदर हो गई अभी क्या पाएंगे आप लेकिन इतना दूर है कि दूसरा जो मैं कहूँ वो जो करे आज भी गवैया वही तरह से बन सकता आपने किस तरह स्वर को साधा इसके मुतालिक जरूर कुछ बताइए और जरा से गा के भी आप बताइए स्वर को क्या किस तरह आप वर्तम लगा मैं बता नहीं सकती हूँ लेकिन आज मेरा स्वर वो लगे कि न लगे मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं ही काम रही हूँ से काम गया होगा क्यों बोलती वक्त कर रही हूँ खाली बोलती हूँ तो भी वो बोलना कपड़ा हुआ आता तो मैं ये दिखा नहीं सकती हूँ आपको कि स्वर जो लगाया डग डग के स्वर के ऊपर आपको कोई डर है आदमी और ये एक स्वर से हमको बढ़ा है एक स्वर से किया सारे जैसे वाले जो वादी किया तो क्या रागनी बनेंगे गा गा को कौन से रागनी बनाई ऐसी सातों स्वर के ऊपर और दूसरा कल जो हमने दिखाए ना दोनों एक वक्त सारे ये किया और तैयार हा अच्छा माई आपका घराना तो भिंडी बाजार घराना करके मशहूर भिंडी बाजार का घराना नहीं बना तो इसीलिए मशहूर लोग मुरादा मशहूर इस घराने का बाकी भेजी बाजार वाले जो भेजी बाजार और एक ही मकान में है ये भी आपको कहते जब आए अवस्था जी का उसमें रहे मरे भी उसमें गए भी उसमें
सर ऐसे आम लोग ऐसे भिंडी बाजार घराना हाँ, कहते हैं और इसी नाम से ही भिंडी बाजार मुरादाबाद के हो हम मुरादाबाद के तो थे पर नजीर खान का भिंडी बाजार करके भिंडी बाजार घराना कहा जाता है। अच्छा माई अब एक अर्थ है भिंडी बाजार घराने की गायकी की क्या क्या खसूसियात यानी विशेषताएं इस पर कुछ रोशनी डाले तो बड़ी नवाजिश उनकी ये थी। पहले सुर का उनके बाद बदला मेरे गुरु हुए तो जो कहना अभी कहना ही बदला तीनों की आवाज बदती उसमें ज्यादा बड़े भैया की आवाज ज्यादा सुनने था ये दोनों की बदती लेकिन जिस वक्त गाने की बैठे थे वो बदला आवाज के ऊपर जो सुर लगाया था सहेगा भी नहीं आंखों में से पानी में आया आंखों में से पानी सीधी आवाज वालों क्या जी सीधी आवाज वाले बैठे हुए हमने सीधी आवाज वाले गए तो दोनों सुने समझे एक आयु संख्या उस वक्त के जो गाय में थे और दूसरे लगभग था दोनों गवे जो सीधी आवाज जिसको कहते हैं कि यहाँ खाली आ करने से उन्होंने गाना नहीं चाहिए था वो गाते तो चलता लेकिन आ करने से बच्ची जैसे सुन गया इस आवाज की। अच्छा माई आपने तैयारी हासिल किस तरीके से की और आपके राय में तैयारी की जगह संगीत में क्या है इसके ऊपर जरा कुछ आपको कहा होगा तैयारी के ऊपर तुम्हें आपको अब बुरामद मांगना मैंने जी हूँ ब्रांसी वर्ष की लेकिन मेरा अभिप्राय उन लोगों का बड़ों का चाहे वो मैं ये जरूर है तैयारी में सब मेरे पहली बात ऐसे गवैया एक ही सुना तैयारी में शेर रखने वाला कौन रहमत था अब सुखा करिए बाकी जितने गवैया हमने तैयार गया और हद से भाग गया तो पीछे तो क्या कुछ पे हो कहाँ बकरे चांद निकालेगी तो कहाँ कुछ कुछ लेकिन तैयारी मानना कायदे से होना चाहिए तो एक ही रहमत खा के और हमारे यहाँ की ऐसी चीज थी आप तैयारी कैसे आपने तैयारी हासिल करने का तरीका यही पर्चे करना तो पर्चे का सारे का पता है करना तो वो चार लैसे चार जरा लाल सब पलटा करके आप जरा से बताएंगे चौथा चार दर्जे की तैयारी हो गई तो हज हो गई इससे इससे जो तैयारी के बाहर जाएगा उसको गर्रा कहेंगे हम अब सुनते रहेंगे ये तैयारी हो जाएगी। तैयारी मायना जो गले से आप आलाप करेंगे जो विलंबित करेंगे वही गले से तैयारी लाना चाहिए वो गवैया का ऐसे हमने सुने सुने गवैया जो इसमें थे तो शब्द नामिया झांका लिखा आयु शंका अलग लिखा सभी तो सही गवैया अजय खां बंबई में तो 30-40 गवैया बंबई में थे। अच्छा माई आपके घराने की गायकी दूसरे जाने माने घरानों से किस तरह अलग है इन पर कुछ रोशनी डालेंगे तो हम तो अलग अच्छी और बुरी है तो नहीं कह सकते लेकिन हमारी घर की जो गायकी विलम्ब जानते वो गायकी मेरे गले में गाली वो मैं करती हूँ जी जरूर यहाँ बंदा की खासा रहा है मैंने उनके साथ चुना गई थी क्या कहूँ मैं अभी जब करूँ तो बच्चे लोग तो आदमी है उसकी बात हम बताएंगे वो जो यहाँ हॉल में गाई तो नीचे जो सुना तो मैंने तो बंदे की खासा की भीम बचती है ये ये इन्होंने सुना मैं तो और बच्चे के शाम को सिखाया जैसे और बच्चे और इन्हें मेरे को ही नहीं आपको तैयार किया और तीन लड़कियां तैयार की एक लड़का तैयार किया बंदूक करके लेकिन वो तकबीर अपने अपने तकबीर से मिल गए वो बात जरा कुछ हुए तो गुरु उस्ताद को कहेंगे तो क्या जानता और तो मर ही जाएंगे वो बात और छोड़ लेकिन और भी मेरे से ज्यादा तैयार की क्या मेरे से ज्यादा कहानी वाई करके थी तो आपको कहूँ बाबरी बाग को जो पहले बंद करवा दिया वो बाबरी भाई जमाने गए कर सारी थी तो उसके ऊपर उस दिन से भूमि बगा के सामने वो गानों को आने से बंद हो गए उसको लड़की को दिखाया था पानी वाले तो आपके घराने के जो विलंबित है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया आप तैयारी में हमारे बहुत तैयारी बल्कि हमारी बिल्कुल आपको फोन दिया 500 खाली से खास आपको यही कहते थे कि 500 चलते ये चलते हैं 30
माई आपके घराने में तो सुना कि सरगम आपके घराने का बहुत मशहूर है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी मेरा पाया सरगम है हम लोगों का। सरगम के ऊपर ही जो कुछ हम मजुआ बांधेंगे और मंदिर दृष्टि करते हैं तो वो सरगम के हमारे घर की पहली है कि जो सरगम मायना डाला। Yeah,
सरगम आपके घराने का बहुत मशहूर है, मैं आपके बारे में कुछ बताइए। ये मेरा पाया सरगम है हम लोगों का। सरगम के ऊपर ही जो कुछ हम मजुआ बांधने के और हम जो मंदिर जिसको कहते हैं वो सरगम के जो हमारे घर की पहले है कि जो सरगम मायना गाना स्वर और सरगम ये दोनों हमारे इनके तो बड़े बड़े अकंदे लड़के थे शिराव सिंह खासा और रामा नहीं खासा और नहीं खाते एक लड़की और एक लड़का तो ये लड़की उन्नी बार अकल था वो उसमें एक आप भोपाल में किताब लेके गई उनका ताकि स्तरी होना। लेकिन आपको कहूँ आज ये लड़का जो होता तो सरगम का बादशाह कहलाता जिसको सरगम सरगम क्या चीज़ है जमीन
आप कौन देता है लोगों की शान ने गुलाम नहीं कहा था किसान ने फिर इसकी सरगम छुटे आज जिम्मेदारी खान साहब उनका नाम खान साहब के राजा थे अकेले लेकिन क्या आपको करूँ सरगम इस सरगम उन्होंने की तो ये मालूम होता था कि क्या दरिया प्रभाव कर रहा है सरगम। अच्छा माई सुना कि आपके घराने में चंद एक रागे बहुत मशहूर है क्योंकि ऐसे तो सभी राग गाया जाता है पर कुछ रागों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है तो ये वो कौन कौन से रागे हैं? बहुत से हम गुलकली Yeah.
वो कौन कौन से राग हैं? बहुत से गुनकरी चोरी भाग और जैसे बारह कल्याण लेना हेमन है, इसलिए अभी हमें गायन चाहेंगे, समझो कि हेमन गाएंगे या कामोले कल्याण है, बारह कल्याण और सब बारह ही कल्याण उनको बताए, बारह कल्याण उन्हीं सब को पैसा शिष्य में है, पैसा बता मालूम है। अभी एक श्रीराग गाया तो उसके और बच्चे साहब इंदौर गाए थे, इंदौर की औरत के साथ वो तो हम अभी भी दिखा नहीं सकते हैं, और दूसरा भैरव गाया तो भैरव की औरत के साथ। सर आपके घराने की भैरवी तो बहुत मशहूर है। भैरव तो पाया मैंने कहा ना पहले, कहा कुछ भैरवी और यमन जी, और दोनों ये पाया जैसे सरगम पाया वैसे, और इसमें दोनों नाम को यही सरगम कर लेते थे ना, यमन की भी सरगम और भैरव की सरगम, और वो सरगम हो गई हमारी जी, हो गई की छो विलम पर छोड़ो गंदा छोड़ बेटा, हाँ छोड़ ऐसा करो सागा पीछे इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी मीन हो गई, आपको पीछे चार चार मात्रा की मीन, दो दो मात्रा की मीन, पांच पांच मात्रा की मीन, तो आप हमारे तो आपको सरगम का पाया, सरगम की जैसी चिन्हवी का सिंधा से एक साड़ी आई सात स्वर, सात स्वर का अभी उसका विस्तार तो है, चिन्हवी करती जैसे ये सरगम हम लोग करते चिंगा 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 स्वर, तो उसको हम अलंकार के लब कहने का नहीं आता, लेकिन वो उनका तो ये था कि स्वर जो है सात है, और घराने के वास्ते भी हमेशा लोग जो कहते थे घराने 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 कहने लगे, दस घराने आठ घराने सात स्वर से किसने आठवा स्वर निकाल, आठवा स्वर जब इनका निकाला तो घराने एक ही है, समझो तांसे का समझो हरिराज का समझो कुछ चलिए उनका समझो, लेकिन घर आए एक ये झगड़े इस खाली झगड़े वाली रंग अच्छी है, मेरे नहीं हमारे गुरु के अच्छे समय ये कहते, वो कहते था कि कान के ऊपर से मैं जो अभी बात करती कान के ऊपर से वो मेरे से करवाया तो कहती कान को एक सरगम बहुत करवाई, हाँ और हमारे धर्मपुर में क्या सवा सौ देश तो बहादुर सिंह खां उनके किनारे सिंह खां साहब उनके गुरु ना, हाँ बहादुर सिंह खां तो उन्होंने बहादुर सिंह खां क्या सरगम और तराने बहुत से कम ही कम मेरे बहन को सवा सौ से देश तो तराने सिखाए, पचास साठ सरगम सब रात, सब राग में सरगम सद सब राग में तराने वो गाती, लेकिन हमको उसका हमको सरगम का सबक मिला, अब तराने तो सुने समझो अभी गा भी सकते हैं कोई गाया तो ये जरूर है, लेकिन आप इतना जरूर है कि हमारे जो पाया है तो सरगम आज भी कोई कर देखे जी, आज हम जैसा कहते हैं ऐसा जो कर देखे तो आज भी पांच साल में सरगम आपको देखने में आएगा। अच्छा माई आपने तो बहुत जमाना देखा और अच्छे अच्छे लोगों को सुना, उनके बारे में कुछ फरमाइए। आपको तो पहले सुनना भाई को पहली तो जो औरतों में औरत उस वक्त हमको समझ पाते ही नहीं था, तेरा चौदह वर्ष हम करते भी कुछ नहीं थे, लेकिन करते भी तो जैसा पशु पक्षी का कैसा है कि जानवर हरण जैसे सुख लुब्ध होके और बड़े लोग मारते थे ना, जैसे समझो कोई सूर्य की जैसे पशु पक्षी सब उसके ऊपर लुब्ध होने वाले, जिस दिन चुना को हमने पहले हमको चुना को सुनाने को बोले गए तो आपको मैं तेरह चौदह वर्ष की थी, लेकिन लड़कों से मुंह खोल के वहां बैठी ये समझता कि क्या करती है, कान में सूर सूर सुमार सब समझदारी बैठे थे, बंदर भी खाता आपसे एक वक्त हुआ किसी जेकर बैरिस्टर करके बम्बई में थे बदल उनके यहाँ बुलवाया, उनकी जन्मई थी कि क्या वो मेरे ध्यान में नहीं है, तेरह चौदह वर्ष की थी तो उस दिन चुना वाई गाय मेरे गुरु रोने लगे, मैंने कहा भैया जी क्या हो रहा है बेटा क्या कहूँ, ऐसा था ऐसा बेटा क्या कहूँ गाना इसको कहते हैं बिचारे एक मिसल से हुआ कहता हूँ, लोग कहते हैं कि तानसेन जी गाते थे जब गाय जी का तो बत्ती लगती थी मेघ गाय तो वर्षा जोड़ता था बर्षा जोड़ता था ऐसे कहते थे, तो वो उन्होंने जो बनाया भैया जी करने के लिए होगी अच्छा ही काम है ना, तो इसी कहते रहते लेकिन सच्चा सच्चा जो पूछो तो पानी कौन सा पत्थर से गिर जाएगा, लेकिन आदमी आदमी एक चीज ऐसा है पत्थर से जाते आदमी का अंतर अंतर्गत पिघल गया आंखों से पानी आ तो पत्थर पिघल गया, और दूसरा कहते थे दीपक मायना क्या दीपक गाया तो ये
भक्ति रखते थे। भैया जी ने कई बार बात कहते हो भैया दीपक मायना ये एक वक्त अभी समझो हम अंधारे में बैठे एक बड़ी 1000 पावर की 100 पावर की एक बस्ती करंट लगता है तो उसको ऐसी वो बत्ती वो जो गाये तो इस तरह से लोगों के बदन में सब बत्ती की इच्छा होती थी वो देखते थे पास करते वो दीपक को बत्ती लगाते थे और बरसात में एक गाया तो यहाँ आंखों से ये पिघलना बहुत मुश्किल है पत्थर तो पिघल जाएगा आदमी का पिघलना बहुत अच्छा माई। और कौन कौन थे एक आपने पहले बताया था चंद्रावली बाई एक थी जिसके बारे में हाँ आपको चंद्रावली बाई को ऐसा सुना हमने अभी तक गवैया अतिशयुक्त हो गया हमारी अभी तक गवैया नहीं सुना चंद्रावली बाई को यहाँ आइए भारतखंड साहब ने उनकी बाई अच्छा और कौन कौन थे हाँ एक चुना बाई सुनी हाँ एक चंद्रावली बाई सुनी और तीसरी हमारी बाबली बाई 5 जनी हमने सुनी बाबली बाई बम्बई की नरसंगा की शादी थी और नरसंगा की नहीं थी पीछे हो गई नरसंगा की मेरे गुरु की शादी 4 बरस मेरे गुरु ने सिखाए और जैसा अभी केशव राय का कैसा हुआ 12 बरस मर से तुल्ला ने सिखाया उसने सिखाया नाम के वास्ते अल्लाह ने खाए ऐसा अच्छा और आप तो कहते हो ना पहले चुना भाई चंद्रावली भाई बाबली भाई और अभी के जमाने में जुहरा भाई अच्छा और जुहरा भाई हैदराबाद की रेशम 5 औरत हमने सुनी रेशम राम को भी ऐसा सुना हमने कि तांगा संस्कृत हराने के लिए हमने सुने थे सरदार लोग से वो लेकिन जिस दिन रचन मनीष को रेशम राम को जिस दिन सुना उस दिन ऐसा मालूम होगा कि हैदराबाद में गाना है भैया जी भी थे हम कोई नहीं गए थे बेगोल थी कोई उनके पार्षद के प्रधान थे ना एक कृष्णा कृष्ण और उस्तादों ने सादों में हमने सुना आपको दूर जिसको कहती है पुराने मानना यहाँ आप नहीं 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 कुछ भी कह रहा नहीं 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 बहुत जमाना देखा और आपने हमने एक ही गाँव सुना जो सुनेगा रहमत का कोई जो सुना कितने मेरे घर में थे वो 5 महीने मेरे घर में थे अपने बड़े घर में तो वो गाते थे तो उनके पास जाके देखना चाहिए पड़ता था कि कौन गा रहा कौन किसका मुंह ये इस तरह से बैठना जैसे समाज को बैठते हैं ना वहाँ ना हाथ ना कुछ पागल लोग कहते थे बने लेकिन वो संगीत में लोग कहते थे कुछ भी कहने दो बकवास है लेकिन वो संगीत में ही पागल हुए आदमी लोग कहते तो सुने ले अभी के बच्चे में अब्दुल अच्छा हाँ दूसरे में अतिशयुक्ति होगी अपना गुरु तो गुरु ही है लोग ऐसा कहेंगे अपने गुरु लेकिन मैंने ललित खा जैसा कि सुबह रात में नहीं सुना जो नी और सा उन्हें लगाई क्या कहूँ आपको कि ये बद आवाज है बिल्कुल बद आवाज ऐसे जब बोले तो आज मैं कैसे बोलती हूँ ऐसा आवाज लेकिन जब ना नी और सा लगाए तो मालूम तो अंदर तीर लगा तो सूर्य दिल नहीं घुस रहा अच्छा माई इतने लोगों को तो आपने सुना पर इनमें कौन थे जिनका प्रभाव आपके संगीत पर पड़ा वो नजीर खान साहब को छोड़ के उनकी तो आप शिष्या हैं और उनका असर तो जरूर आपका ऊपर है पर इनको छोड़ के और अच्छे अच्छे लोगों का किसका प्रभाव आपका आपके ऊपर पड़ा मेरे ऊपर जिन्ना भाई का तो अभी ये कि हमने जो सुना हमारे घर आने की तो बात इसके नहीं आएगी जी हाँ एक सुना सरदार बख्शा आए थे हैदराबाद के सरदार खान अच्छा ये उनका सुना और दूसरा अल्लाह देखा मैं आपको कहूँ कि बुरा नहीं अल्लाह देखा कि सूर की मिलती लेकिन बड़त जिसको कहते फिरत कि सत्य वाला हो पर लेकिन ऐसी थी कि आपको कहूँ कि नोटेशन करने को उसकी अच्छा माई आपके ज़माने में संगीत और संगीतज्ञ की कदरदानी कैसी थी खास करके आजकल के मुकाबले में अभी जब कम से आजकल के लोग गुस्सा होंगे मेरे ऊपर नहीं पर उस जमाने की झलक को दिखाइए कि उस जमाने कदरदानी कैसी होती थी कदरदानी कैसी होती थी एक तो पहले नायक सबसे साक्षी जलते थे गबई गए जलते थे लेकिन आप घर गए तो यही उनके हाँ क्या किस तरह से जगह कुछ बड़े समझो कि तैयारी समझो न्याय जिसको कहते हैं वो था दूसरा कदरदानी भी बहुत लोग खुले थे पर राजाओं में जनताओं में जनता गरीबों में होंगे लोग लेकिन ऐसे पागल देखा जो कुछ कोई दवाई के पास जैसे पागल बन के उनके पीछे पर खींचते थे रही सौ थे तो हजार उनके भी देते थे
लेकिन गदर गाने ऊपर तो बहुत अपने कार्यकाल में पंडित भातखंडे जी से भी आपकी जरूर भेंट हुई होगी। आपकी और उनके मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। उनका हमारे जरूर भी भेंट होती थी क्योंकि हमारे जिले के पास ही वो सीखते थे। अच्छा, और भिजवाया भी समझो यदि छुबे निकालना गंदाज निकालना तो मेरे गले से निकालना चाहिए तो उनके गले से निकालूंगी। मैं सीखूंगी मेरे गले से निकाली वो हमसे विकास के सिखाते। और सरगम सुना के आप उनके साथ सरगम कहती थी? हाँ नहीं सरगम नहीं कहाँ भी कोई गवैया आए ना तो ये भी क्रिया ही कहते थे सबके निकाल अमदादा कहते थे उनको तो नदी था कहते थे चिड़िया को लेके आना क्यों दादा क्यों वहाँ नोटेशन करना है तो उस जमाने में जो कहाँ ये अभी तो पाकिस्तान का जो पंजाब से एक गवैया है गुल्लू खान उनका नाम तो भारी इतने थे एक एक दरवाजे से जो ये चले थे ये सीध दरवाजे को लगता था उसको देखते में पहले घबरा गई पहले गाउट करते थे वहाँ से हंसने की बात नहीं इतने घबरा गई थी मेरे को भैया जिसके जगह से मेरे का हंसी इतने भैया आ गई ये जब फटका और उसके ऊपर ये ऐसी टोपी डाली वो टोपी का चेहरा ऊपर लगता था तो वो भारी तैयार थे तो भक्तमेर साहब ने कहा था कि मेरे को मैं गए मैं कहने गए सीजा नोटेशन करना है फिर जैसा होगा तो भैया जी जो कहेंगे तो करूँगी तो जहाँ जहाँ नोटेशन करने का होता था जब मेरे को ले जाए अच्छा और भक्तमेर साहब ने और भी कहना ये अतिशय अक्सर आज मैं ही कहने वाली हूँ और तो कहने वाले होंगे कि नहीं मेरे को मालूम है जितनी चीज़ें लिखी हैं लक्षण गीत में वो भक्तमेर के पास है मेरे पास मैं दिखाऊँगा आपको तो जितने लक्षण मेरे गुरु के पास बांध के दिए सब दिखा खा सकते पास संगीत की तपस्या में आपने अपने जीवन दान दिया है इस दौरान का कुछ खास निजी अनुभव जो आप आज तक भुलाना सके उनको जरा बयान करें आप जैसे सुर के लगाव में जो सच्चा सुर लगने का या कुछ भी आपके जीवन का अनुभव वैसा वो अनुभव ऐसा हो गया है मेरे को इसका दो तीन वर्ष तो सच लोगों ने देखा है मेरा अनुभव अभी तो मैं कह दूँ क्या होगा जैसे में इन्होंने कहा ना नहीं भैया खम्बादारी करके थी यहाँ नजीब आए बिल्कुल जैसे लाख लाख पचास हजार चार चार दिन जैसे जैसे क्या खाना और पीना क्या दावत से जाना गए तो ये भी होता है ना जरूर खुदा की जैसे देन होती है तो चीज़ें से मिलने को नहीं आता है और ये समझा जो मैंने किया तो मिल जाता है वो हालत देन हो गए तो मेरे को सुबह पहले तो नौ बजे बिताया था हमको गाने को तो मैंने सोचा शाम कर जाएंगे गाई तो मेरे गुरु साहब को तो किसी डरते नहीं थे सुबह 7 बजे फिर से हमारा मौका है और ये गवैया ने नाम का रखा था मालूम है बाबू गाय कुछ को मेरी टाइटल और मेरी टाइटल नष्ट पीछे उस दिन से जो तानी गायिका हो गया उसके बाद और पीछे उसी तानू भाई का हो गया उस दिन से बाबू भाई कभी हमारे दर्शन आए हैं मेरे सामने नहीं आए दोनों बगल वालों के सामने नहीं आए आपको कहूँ ऐसी गाड़ी है क्या गाड़ी मालूम है ग्राहक ये तो दो हजार चार साल खाली ग्राहक गाड़ी जो प्रिय मालूम होता था छुपा रहे सच्चे उसमें निकलता है तो मैंने अपना हुआ देखा लेकिन गाती नहीं थे उसको अपना खाली नाम की गाती है। अच्छा आप अपने अनुभव को बताइए अपने अनुभव भी बताते तो जैसे हुआ तो सुबह के गाने को तो इन्होंने कहा हमको प्रिया जी ने जगह की क्या गाएगी मैंने कहा आप लोग परसों गाऊँ तो हमारे खाते से अभी घूम करी अब गाएंगे चाहिए दिन खुश हो तो आपको कौन समझिए अजीम बख्श करके थे तो मेरे साथ आज गफ्फूर खान आया उनके दादा एक बाजूलाल था दोनों आपको कहूँ गवैया के भाई कहो ना शर्म में ऐसे थे गवैया को दबा सके तो वो थे दोनों तो उधर से ले गई गाने तो खाली से खासा कहने लगे लक्ष्य को किसी जगह तो क्या गवाना कैसे आप साधना कर रहे हो बड़े मानते थे गुरु तुम्हें चेगा जमीन कभी गाएंगे मेरे का
वैसे वही गाने थे, गाने को वैसी भी थी, बहुत सी बरस गिरस थी और पिछला पा जो लगाया इतना लगा आपको हाजिर संग खासा दी, हाजिर संग खासा गया और मैं मेरा आसपा कमरा छूट गया, एक सेकंड की आवाज छूट ही गया कमरा, ऐसा तीन वक्त हुआ है मेरे, एक वक्त ने तीन वक्त एक लखनऊ जब सच्चा स्वर एक ही स्वर, पहले तो सच्चे स्वर में कमरे को तार लगाओ कभी रही नहीं टूटे सरंगी जो सूर में मिली सही बता तो सुनना चाहिए मेरा अनुभव कैसे और आप करके देखो। अच्छा माई एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, आज का संगीत आपकी नज़र में किस दौर में गुजर रहा है, क्या आप समझती हैं कि ये संगीत को कायम रखने के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो काफ़ी है, क्या आने वाले ज़माने में भी आप जैसे कलाकार कोई बन सकेंगे, आपकी राय में संगीत को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएं। पहले तो ये बताती हूँ, आप भी अब बच्चे हो लेकिन समझ नहीं सकते हो, रूपर जमा था तो उसके ऊपर आके ख्याल के ऊपर पड़े ख्याल छाले थे, ख्याल के मिटने लगे तो आके ठुमरी के ऊपर गए, ठुमरी अभी मिटती जाती है समझे ठुमरी भी कहाँ है, ठुमरी मिटती जाती सिनेमा के ऊपर, अभी अगर काश किसके ऊपर पड़ेंगे आपको ये आपको सवाल करना है मेरा गवर्नमेंट को सरकार को, एक ही सरकार जो इसको जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रह नहीं सकता, नहीं तो बिल्कुल जिंदा रह नहीं सकता, और जो तरह से सरकार चल रहा है उस तरह से संगीत को जो बचाना चाहे तो बिल्कुल बच नहीं सकता, आप चाहिए तो इसका तरीका भी तो कुछ बताइए माई, इसको तो रखना जरूरी थी तो यही कोशिश करनी चाहिए ये आइंदा भी आप जैसे कलाकार से पैदा हो सके, वो जिस तरह से बड़े बड़े कहाँ बेचारे खाते के ऊपर पड़े रहे होंगे अभी नहीं खाते होंगे, उनके 90 बरस की 100 बरस की 50 बरस उनके पास जा जा के बत्ती लेके तो आप लोगों को ढूंढना चाहिए बत्ती लेके कि कहाँ हीरा पड़े हैं, और खाली वो बत्ती लेके आपके पास आई हूँ ना वो तो मेरी क्या बात है, लेकिन पड़े हैं मैं ये कहती हूँ जो पड़े हैं तो उनके पास जाना, इनको कहना कि बस खाटने के ऊपर कहो कि किस रास्ते से गवैया बन सकता है, और कुछ सरंगिया समझो सरंगे भी कहते हो सरंगे अगर तबलिए वही जो करिए इसका ठेका आया एकता देखा उसमें दिक्कत तो ये कर चार दिक्कत लगी तो बड़ा तबलिया होगा, ऐसा सरंगिया एक कान मारे उसके तीन नक्के मारे तो सरंगिया होगा, तो ऐसा नहीं बनता गवैया तीन अजय ये तीन वक्त तक गया तो गवैया बना नहीं, गवैया के तरीके और बने ये मैं आपको कहते जो गवैया बनना है तो गवैये की तपस्या करना चाहिए, सरंगिया बनना है तो सरंगे की तपस्या करिए, हमने देखा है सरंगे की तपस्या इनके दादा को कपूर का के रात को 2 बजे बैठना हमारे साथ खच गए, मैं 2 महीने के वास्ते खच गई, तो आपको कहूँ रात को 2 बजे बैठे सरंगी लेके और सुबह 8 बजे तक अजीम बख्स कहाँ चाहती हमारी आप बहुत थक जाएंगी हाँ अब आप और आपको तकलीफ नहीं दूंगी जरा Ramadha, Ramadha, Ramadha.
Bye.
Mama, Papa, 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 M
जैसे सुर के लगाव में ये सच्चा सुर लगने का ये कुछ भी आपके जीवन का अनुभव ऐसा हो अनुभव ऐसा हो गया है मेरे केस का दो तीन वक्त तो सच लोगों ने देखा मेरा अनुभव अभी तो मैं कह दूँ एक रोज क्या होगा जैसे में उन्होंने कहा ना भैया हम बातबाजी करके थे यहाँ नजीब आए बड़े बड़े जलसे होते लाख लाख पचास पचास हजार रुपये और चार चार रोज जलसे चलते जहाँ खाना और पीना या दावत तक देना गौरे तो ये भी होता है ना जब खुदा की देन होती है तो चीजें से बिल्लू को मरवाता है और ये समझा जो मैंने किया तो मिल जाता है वो हालत दुश्मन हो गए तो मेरे को सुबह पहले तो 9 बजे बिताया था हमको गाने को तो मैं उस वक्त शाम कल्याण गाई वगैरह उनको मेरे गुरु साथ तो किसको डरती नहीं थी सुबह 7 बजे फिर से हमारा मौका आया और ये गवैया ने नाम क्या रखा था मालूम है बाबलू का एक कुत्तो मेरी टाइटल और मेरी टाइटल मस्टर जो पीछे उस दिन से जो तानी भाई का हो गया उस दिन से बाबू भाई कभी हमारे दर्शन आए हैं मेरे सामने नहीं आए दोनों दोनों बाजार वालों के सामने नहीं आया था आपको कहूँ ऐसी गायब है क्या गायब मालूम है ब्याह ये तो दो चार चार खाली ब्याह गाई जो तो ये मालूम होता था दीवारों से सिर निकलता है तो मैंने सुना हुआ देखा हुआ लेकिन गाती नहीं क्या उस वक्त अपना खाली नाम की गाती थी अच्छा आप अपने अनुभव को बताइए तो अपने अनुभव भी बताते हैं तो जैसे हुआ तो सुबह भाई के गाने को तो इन्होंने कहा हमको भैया जी ने जगह तो क्या गाएगी मैंने कहा आप जो कौन सा गाऊँ तो हमारे खाद्य संख्या साफ करिए अभी गुन करी अब गाएंगे कहने लगे खुशी हो रही तो आपको कहूँ सरंगे अजीम बख्श करके थे तो मेरे साथ आज जब गफ्फूर खान आए उनके दादा एक बाजू लाल खा दोनों आपको कहूँ गवैया के भाई कहो ना सरंग में ऐसे थे गवैया को दबा सके तो वो थे दोनों तो जैसे में गाने तो खाजू से खासा कहने लगे अजीम बख्श को किसी को क्या गवाना ऐसा आप क्या आत्मा करने को बड़े मानते थे जैसे गुरु तुम्हें सेवा गुण कर गाएंगे मैंने कहा अच्छा बैठी भाई गाने को बैठी बैठी बहुत सी बड़त बिरत थी और पा बिचला पा जो लगाया इतना लगा आपको कहूँ खादिन संघ खासा भी खादिन संघ खासा गया और मैं मेरा आपका कमरा छूट गया एक सेकंड की समाज आपको छूट ही गया कमरा ऐसा 3 वक्त हुआ है मेरे को एक वक्त ने 3 वक्त एक लखनऊ जब सच्चा स्वर एक ही पहले तो सच्चे सुर में कमरे को तार लगाओ कभी रहेगी नहीं टूटेगी करेंगी जब सुर में मिली तो एक वक्त तो सोचना चाहिए मेरा अनुभव कैसे और आप करके देखो अच्छा अच्छा माई एक सवाल आपसे मैं क्या पूछ सकती हूँ आज का संगीत आपकी नजर में किस दौर में गुजर रहा है क्या आप समझती हैं कि ये संगीत को कायम रखने के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो काफी है क्या आने वाले जमाने में भी आप जैसे कलाकार कोई बन सकेंगे आपकी राय में संगीत को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएं पहले तो ये बताती हूँ आप भी अब बच्चे हो लेकिन समझ नहीं सकते हो रूपक धमा था तो उसके ऊपर आके ख्याल के ऊपर पड़े ख्याल ख्यालिए थे ख्याल के मिटने लगे तो आके सुमरी के ऊपर पड़े ठुमरी अभी मिट्टी जाती है समझो ठुमरी भी कहाँ है ठुमरी मिट्टी जाए सिनेमा के ऊपर अभी अगर कास्ट किसके ऊपर पड़ेंगे आपको ये आपको सवाल करना है मेरा गवर्नमेंट को सरकार को एक ही सरकार जो इसको जिंदा रखना चाहे तो जिसे जिंदा रह सकता नहीं तो बिल्कुल जिंदा रह नहीं सकता और जो तरह से सरकार चल रहा है उस तरह से संगीत को जो बचाना चाहे तो बिल्कुल बच नहीं सकता आप चाहिए तो इसका तरीका भी तो कुछ बताइए माई इसको तो रखना जरूरी थी तो यही कोशिश करनी चाहिए ये आइंदा भी आप जैसे कलाकार कोई पैदा हो सके वो जिस तरह से बड़े बड़े कहाँ बेचारे खाते
के ऊपर पड़े रहे होंगे, अभी नहीं खाते होंगे। उनकी 90 बरस की, 100 बरस की, 50, इनके पास जा जा के बत्ती लेके तो आप लोगों को ढूंढना चाहिए, बत्ती लेके कि कहाँ हीरा पड़े हैं। और खाली बत्ती लेके आपके पास आई हूँ ना वो तो मेरी क्या बात है, लेकिन पड़े है, मैं ये कहती हूँ जो पड़े हैं तो उनके पास जाना, इनको कहना कि बस खाचले के ऊपर कहो कि किस रास्ते से गवैया बनने सकता है। और कुछ सरंगिया समझो, सरंगे भी कहते हूँ सरंगी है, अगर समझिए वही जो कुछ 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 करिए, इसका ठेका आया एकता ने का उसने दिक्कत तो एक है, चार दिक्कत लगी तो बड़ा समझा होगा, ऐसा सरंगिया एक कान मारे के तीन नक्के मारे तो सरंगिया होगा, तो ऐसा नहीं बनता। गवैया तीन अजय ये तीन वक्त गया तो गवैया बना नहीं, गवैये के तरीके और बने, ये मैं आपको कहते जो गवैया बनना है तो गवैये की तपश्चर्या करना चाहिए, सरंगिया बनना है तो सरंगे की तपश्चर्या करिए। हमने देखा है सरंगे की तपश्चर्या इनके दादा को गपन का के रात को 2 बजे बैठना, हमारे साथ खच गए, मैं 2 महीने के वास्ते खच गई, तो आपको कहूँ रात को 2 बजे बैठे सरंगी लेके और सुबह 8 बजे तक अजीम बख्श कहाँ चाहती हूँ, अब आप बहुत थक जाएंगी, हाँ अब आप और आपको तकलीफ नहीं दूंगी, जरा सी ये तकलीफ है कि हल्के हल्के आवाज से एक जरा सा भैरव ही सुना दीजिए जो आपके। मैं सुना हूँ लेकिन मेरा भी अभी आवाज में नहीं, तो एक कहा ना कि मैं भी कपड़ा बिल्कुल जरा सा नमूना I
माई आज आपको बहुत ही तकलीफ दी मैंने, आप क्षमा कीजिएगा, अहम को कभी इतनी तकलीफ नहीं दूंगी। पर मैं नहीं जानती हूँ आपको किस तरह मैं आपको धन्यवाद कहूँ। हम बात हुई इस गलती को माफ कीजिए और हमारे आत्मिक वाकई ये धन्यवाद दीजिए। मैं भी आशीर्वाद दे रही हूँ, ये संगीत आपसे बड़े, मैं भी आशीर्वाद दे रही हूँ, एक नहीं दो नहीं चार वक्त के आप संगीत बढ़ा और संगीत की कदर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।